बासी मुख दो दाने कोलेस्ट्रॉल मोटापा पेट के रोग और दिल से जुड़ी बीमारियाँ नहीं होंगी दोस्तों आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने शरीर को स्वस्थ रखना और आजकल का वातावरण इतना खराब हो चुका है कि यह और भी मुश्किल काम हो गया है हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिस प्रकार किसी भी मशीन का एक पार्ट खराब होने पर उस पर ध्यान न देने पर पूरा मशीन ही खराब हो जाता है उसी प्रकार हमारा शरीर भी है हमारे शरीर में भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको नजरअंदाज करने पर बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि जान का खतरा भी बन सकता है आज के समय में बहुत से लोगों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द की समस्या देखी जाती है जो कि काफी दर्द और तकलीफ देह होती है हड्डी और जोड़ों के दर्द की वजह से व्यक्ति को चलने फिरने में उठने बैठने में या फिर किसी भी काम को करने में दिक्कत होती है आजकल ज्यादातर लोग डायबिटीज ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त हैं शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं रहता मोटापा और आंखों में कमजोरी के प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती जा रही है साथ ही दोस्तों आजकल कम उम्र के लोगों में ही बालों से से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है बाल समय से पहले झड़ रहे हैं सफेद हो रहे हैं और इस तकलीफ को लड़का और लड़की दोनों ही फेस कर रहे हैं दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे अपने शरीर में होने वाली इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो और वो चीज है दोस्तों मीठी का दाना मीठी का दाना हर घर में होता है मीठी दाने को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर जोड़ों में घुटनों में दर्द गठिया कोलेस्ट्रॉल मोटापा बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सिर्फ तीन महीने में ही जड़ से खत्म कर सकते हैं दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में बीमारियां तीन दोषों के कारण आती है और वो है वात पित्त और कफ शरीर में इन तीनों दोषों को बिगड़ने के कारण ही शरीर को बीमारियां जकड़ने लगती है जानते हैं कि कैसे आप मेथी दाने के इस्तेमाल से अपने शरीर में वात दोष को बैलेंस कर सकते हो दोस्तों वात का मतलब होता है वायु वो वायु जो आपके पेट में बनती है यही वायु जब पेट से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है तब ये परेशानी पैदा करती है ये गैस आपके शरीर के जोड़ों में जमने लगती है और वहीं पर दर्द पैदा करती है आपने देखा होगा कि अचानक आपके ज्वाइंट में कोहनियों में दर्द होने लगता है और आप सोच भी नहीं पाते कि आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है लेकिन जब उस जगह पर थोड़ा सा तेल लगाकर मालिश करते हैं तो उससे आपको राहत मिलती है कारण ये होता है कि उस जगह पर जो वायु रुकी हुई थी वो चली जाती है इस वजह से आपका वो दर्द ठीक हो जाता है जोड़ों में घुटो में दर्द है तो इसके लिए मेथी दाना बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों मेथी दाने का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता इसके अलावा आप घर की जितनी भी खाने की चीजें हैं वो सब एक निश्चित समय पर एक्सपायर हो जाता है लेकिन ये मेथी दाना कभी भी एक्सपायर नहीं होता आप इसे 50-60 सालों तक भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मेथी के दानों को आयुर्वेद में एक औषधि माना गया है इसके अनुसार मेथी दाना सबसे बढ़िया वातनाशक है तो जो लोग मेथी दाना खाते हैं उन लोगों में कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होता लेकिन बहुत से लोग मेथी दाना खाना पसंद नहीं करते इसके जगह पर बर्गर पिज्जा खाना पसंद करते हैं और अपने शरीर में बीमारियों को न्यौता देते हैं दोस्तों अगर आप मेथी दाने को सही ढंग से खाते हो तो आप जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हो आइए जानते हैं मेथी दाने का इस्तेमाल आपको करना कैसे है आपको रात में एक गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें एक चम्मच मेथी का दाना भिको रख देना है और सुबह उठकर बासी मुंह उस मेथी को चबा चबा खा लेना है और ऊपर से जो पानी बचा हुआ है उसे पी लेना है इस तरह आप सिर्फ खाली पेट कीजिएगा सिर्फ इतना कर देने से आपके शरीर के कई रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे एक ऐसी पावरफुल औषधि है जो आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकती है मेथी के दानों में ऐसी ताकत है जो आपके शरीर की सारी बीमारियों का इलाज कर सकती है दोस्तों मेथी हमारे शरीर के वात दोषों को बैलेंस करता है जब आप सुबह उठकर मेथी का सेवन करते हैं तो ये आपके वात दोष को बैलेंस करेगा आपकी बॉडी से गैस को रिमूव करेगा जिससे कि आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलने लगेगा अगर आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है चलने फिरने में दिक्कत आती है आपके कोहनियों में गर्दन में कमर में दर्द रहता है जोड़ों से कटकट -कट की आवाज आती है तो ऐसे में मेथी का दाना बहुत ही फायदा करेगा आप इसको लगातार तीन महीनों तक खाकर देखिए आपके सारे ज्वाइंट्स पेन जड़ से खत्म हो जाएंगे इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो आज डायबिटीज यानी शुगर के रोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं कारण है कि हम लोग इस बीमारी को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं हमारे खराब लाइफ और गलत खान पान के कारण ही यह बीमारी होती है यह हम सभी को पता है लेकिन लाइफ और खान पान को सही नहीं करते ये चीज गलत है इसके अलावा अगर आपके हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप मेथी दाने का इस्तेमाल इस तरह से कीजिए हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी भी आज के समय में बहुत बढ़ गई है आज हमारे देश में हर मिनट में एक इंसान हार्ट अटैक से मर रहा है आज की डेट में यह बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है जिम्मेदार कोई और नहीं हमारा बैड लाइफ और गलत खान है इस वजह से हमारा खून गंदा हो जाता है और अटरीज में ब्लॉकेज हो जाती है जिसे हम बोलचाल के की भाषा में बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कहते हैं अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखना चाहते हो तो आप मेथी दाने का सेवन कीजिए सुबह खाली पेट मेथी को चबा चबा कर खा लें और मेथी के पानी को भी ऊपर से पी लें लगातार तीन महीने तक सेवन करते हैं तो, है, तो सुबह खाली पेट मेथी दाने को चबा चबा लगातार दो महीने तक की बहुत फायदा होगा आप मेथी के सेवन से डायबिटीज को दो महीने के अंदर जड़ से खत्म कर सकते हो जो डायबिटीज के पेशेंट है वो सबसे पहले अपने खाने पीने में सुधार करें इस दौरान खाने में आपको चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है कुछ लोग ये सोचते हैं कि कभी कभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है आप चाहे तो नेचुरल मीठे फल खा सकते हो नेचुरल शुगर को खाने से आपको डायबिटीज में कोई खतरा नहीं होगा मीठी के सेवन से आप अपने वजन को भी कम कर सकते हो जी हाँ जो लोग बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं निकले हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं तो वे लोग इस पावरफुल औषधि को जरूर अपनाएं पुराने समय के लोग इसी तरह से स्वस्थ रहते थे उनका लंबे समय तक हेल्दी रहने का राज अपने डेली रूटीन में आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करना होता था मेथी का पानी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जिससे कि हमारी चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेथी के अंदर ढेर सारा आयरन और पोटेशियम होता है यह बॉडी में खून का निर्माण करता है और साथ ही साथ ब्लड फ्लो को सही करने में मदद करता है इसके अलावा अगर आप माइग्रेन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो सिर के एक साइड में दर्द से परेशान रहते हो तो आपको थोड़ा सा मेथी दाने का सेवन करना है तो इसके लिए आपको आधी चम्मच मेथी दाने का सेवन लगातार 15 से 18 दिनों तक करना है इसके अलावा कब्जे से छुटकारा पाने के लिए एक चम्मच मेथी दाने के पाउडर को एक गिलास गुनगुने पानी के साथ मिलाकर सोने से पहले लेना है रात को सोने से आधे घंटे पहले एक चम्मच मेथी दाने का पाउडर एक चम्मच गुनगुने पानी में घोलिए और इसे पी लीजिए आपको कब्ज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो दोस्तों इसके अलावा भी देखा जाए तो मेथी के बहुत से फायदे हैं सिर्फ गर्भवती महिलाएं मेथी दाने का उपयोग ना करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो जो लोग मेथी दाना खाते हैं उन लोगों में कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं होता दोस्तों अगर आप मेथी दाने को सही ढंग से खाते हो तो आप जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हो आइए जानते हैं मेथी दाने का इस्तेमाल आपको करना कैसे है आपको रात में एक गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें एक चम्मच मेथी का दाना भिगो रख देना है और सुबह उठकर बासी मुंह उस मेथी को चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से जो पानी बचा हुआ है उसे पी लेना है इस तरह आप सिर्फ खाली पेट कीजिएगा सिर्फ इतना कर देने से आपके शरीर के कई रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो जानकारी कैसे देगी आप हमें कॉमेंट्स कर बताना और जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना